नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुझे थी। सो मुझे पार्लर्स में जाकर हेयर ट्रीटमेंट करवाना, सलून ट्रीटमेंट करवाना, स्पा ट्रीटमेंट करवाना अपने हेयर के ऊपर बहुत पसंद है। इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम तो आपको पता होगा कि मुझे मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे अपने बालों का केयर करना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट शेयर करती रहती हूँ। सो लेकिन गाइज आज के इस टाइम पर मैं अभी भी सैलून में जाकर ट्रीटमेंट करवाना या स्पा ट्रीटमेंट लेना प्रीफर नहीं करती बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस अराउंड। सो सिर्फ कंडीशनर और शैम्पू से तो स्पा ट्रीटमेंट जैसा फीलिंग नहीं आता, पार्लर जैसा फीलिंग तो नहीं आता हेयर में। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली और अभी कुछ दिनों से मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डल फ्रीजी भी लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए अपने हेयर को। जो भी हेयर फ्रीजी लगते हैं, डल लगते हैं और जो शाइन कभी कभी हमारे हेयर में से निकल जाता है, उसे रिस्टोर करने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हम घर पर, अगर पार्लर नहीं जाना है तो भी घर पर वो यूज़ करके हमारे हेयर में जो शाइन है, नरिशमेंट है, वो फिर से आ जाए। तो गाइज रिसेंटली मैंने अभी अभी एक प्रोडक्ट डिस्कवर किया है जिससे हमें पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा और सैलून लाइक ट्रीटमेंट हमारा घर में ही इन 5 मिनट्स में हो जाएगा। सो दैट इज L'Oréal Paris एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल स्टीम मास्क। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि इंडिया में लॉन्च हो और दिस इज द फर्स्ट स्टीम मास्क दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया। सो गाइज इसका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज नरिशिंग मास्क, इसे हमें हमारे पूरे रूट से लेकर लेंथ तक अप्लाई करना होता है। एंड देन उसके बाद सेकेंड स्टेप है दैट इज स्टीम कैप, एंड इट इज अ स्टीम कैप जो कि सेल्फ हीटिंग कैप है जो कि हमारे हेयर में जैसे ही हमारे हेयर के कॉन्टेक्ट में आता है हमारे हेयर को हीट प्रोवाइड करने लगता है, स्टीम प्रोवाइड करने लगता है। ये एक स्टीम कैप है जो अप्लाई कर आप मूव भी हो सकते हैं एंड ये हमारे हेयर को इंस्टेंटली हीट प्रोवाइड करता है। सो गाइज वी ऑल नो कि जब हमारे हेयर में हीट प्रोवाइड होता है तो हमारे हेयर में जो हमारे हेयर के जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाएंगे, हमारे हेयर स्किन के अंदर अच्छी तरह से क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे तो हमारे हेयर के अंदर वो 4 times पेनिट्रेट होगा एंड हमारे हेयर को और एक्स्ट्रा शाइनियर एंड स्मूदर बनाएगा। एंड जस्ट लाइक सैलून ट्रीटमेंट जैसे हम पार्लर में जाके लेते हैं उसी तरह से जस्ट इन 5 मिनट्स जस्ट इन 2 steps हमें घर बैठे बैठे वो जो पार्लर इफेक्ट है, जो स्पा ट्रीटमेंट जो हम पार्लर में करवाते हैं वो जस्ट घर पर 2 steps पे ही मिल रहा है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये इंडिया में लॉन्च हो गया है। जो एक्सोल स्टीम मास्क है वो हमारे हेयर में डीपली पेंट्रिएट करके हमारे हेयर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड वाइटिलिटी प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक सैलून ट्रीटमेंट हमारे हेयर में प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस मैं अभी आपको इसका एप्लीकेशन बता देती हूँ कि हमें ये किस तरह से यूज़ करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करें तो उसके रेंज के साथ में यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है। सो ये प्रोडक्ट, सो गाइस ये एक्स्ट्रा ऑयल स्टीम मास्क यूज़ करने से पहले मैं यूज़ करूँगी दैट इज पहले मैं अपना हेयर वॉश करूंगी यूजिंग L'Oréal Paris एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल शैम्पू, स्मूथ सिलिकॉन फ्री शैम्पू। सो गाइज ये जो शैम्पू है दिस इज सिलिकॉन फ्री एंड पैराबिन फ्री शैम्पू एंड इसे यूज करके मैं अपना हेयर वॉश करूंगी। पहले इसी रेंज में आपको मिलता है L'Oréal Paris एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल कंडीशनर एंड ये भी है पैराबिन फ्री एंड ये दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इस शैम्पू एंड कंडीशनर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं बट मैं आज विदाउट कंडीशनर ही ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी बिकॉज जल्दी इतना अच्छा इफेक्ट देता है कि आपको कंडीशनर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे आपको ये जो मास्क है उसे निकाल लेना है, अच्छी तरह से पूरा अपने हाथों में ले लेना है और अपने पूरे रूट से लेके अपने पूरे नीचे के हेयर लेंथ तक अप्लाई करना है अच्छी तरह से, जो हमारे हेयर में डीपली पेनिट्रेट होता है एंड हमारे हेयर को स्मूथ करता है फ्रॉम रूट टू टिप्स। अच्छी तरह से अपने हेयर में अप्लाई करने के बाद अपने हेयर में एक बर्न बना ले। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज स्टीम कैप। आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस। सो इसे आपको इस तरह से निकालना है एंड देन इसे आपको आपके हेयर में जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपके बर्न के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है एंड थोड़ा सा मसाज करना है एंड आई फील सो गुड। ये मुझे पता चल रहा है कि हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गया है मेरे हेयर में। सो ये हमारे हेयर में अब्जॉर्प्शन बूस्ट करता है फॉर मैक्सिमम नरिशमेंट। सो या एंड जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू वॉश योर हेयर। अब मैं लास्टली यूज़ करूँगी L'Oréal Paris एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम टू स्टाइल माई हेयर। सो गाइज यू कैन सी हाउ द स्टीम मास्क गिव्स माई हेयर द सेम काइंड ऑफ नरिशमेंट, शाइन एंड स्मूथनेस जैसे कि हम पार्लर में जाकर हमें मिलता है। सो गाइज आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड जस्ट इन 1 use मेरे हेयर इतने मैनेजेबल हो गए हैं एंड इतने शाइनियर हो गए हैं एंड आई रियली लव हाउ दिस स्टीम मास्क हैज़ वर्कड
ऑन माई हेयर। सो गाइज मैं बहुत टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रही थी कि कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए शैम्पू कंडीशनर के अलावा जो मेरे हेयर को अच्छी तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करे। अब मैं ऑफन अपने हेयर में 10 डेज में वंस अ वीक और 10 डेज में इसे अप्लाई कर और देखना चाहती हूँ कि ये 1 वीक में इतना अच्छा काम किया है तो, और अगर मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी तो और कितना अच्छा रियल इफेक्ट आएगा मेरे हेयर पे। सो गाइज यू कैन ऑल्सो बाय दिस मास्क, ये जो स्टीम मास्क है दिस इज ₹399 1 सैशे। सो नीचे जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, यू कैन डेफिनेटली बाय इट एंड बाय करके जो अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो मेरे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सो आई विल गिव दिस प्रोडक्ट थम्स अप बिकॉज आई रियली एंजॉयड यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसे रेगुलर बेसिस पे जरूर यूज करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक दे देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर कर देना ताकि जब भी मेरा वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।